विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के सामने आखिरकार ई कॉमर्स साइट अमेज़न को झुकना पड़ा है। सुषमा स्वराज की कड़ी चेतावनी के बाद कंपनी ने वेबसाइट से तिरंगे वाले डोरमेट को हटा लिया है, लेकिन माफी अभी भी नहीं मांगी है। कनाडा में अमेज़न पर बेचे जा रहे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज वाले डोरमेट पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सख्त आपत्ति जताई थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि अमेज़न इस मामले में बिना शर्त माफी मांगे और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले सारे प्रोडक्ट तत्काल वापस ले। इसके साथ ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक अन्य ट्वीट में चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आगे हम अमेज़न के किसी अधिकारी को भारतीय वीजा जारी नहीं करेंगे, हम पहले जारी किए गए वीजा भी रद्द कर देंगे। इसके बाद अमेज़न के प्रवक्ता ने ईमेल से भेजे जवाब में कहा, यह सामान अब साइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। दरअसल डोर मैट यानी दरवाजे पर बिछाने वाली चटाई को अमेज़न वेबसाइट के माध्यम से बेच रही थी, जिसकी कीमत करीब $36 थी, यानी भारतीय रुपए में भारतीय तिरंगे की कीमत करीब 2,450 रुपए थी। जैसे ही यह खबर सुषमा स्वराज तक पहुंची, उन्होंने कंपनी से निंदा भरे शब्दों में उत्पादों को फौरन हटाने का निर्देश दिया। फिलहाल वेबसाइट से प्रोडक्ट तो हटा लिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले पर अमेज़न ने अभी कोई माफी नहीं मांगी है। तो तिरंगे से बने अपमानजनक उत्पादों को अगर अमेज़न वेबसाइट से नहीं हटाता तो भारत में कंपनी के कारोबार की रफ्तार पर पूर्ण विराम जरूर लग जाता। देखते रहिए डीबी लाइव।